प्रक्रिया चली। अनुज को यह नहीं कह सकता कि एक बार में सिर्फ आरोप लगे तो पीएफआई को बैन कर दिया गया, इसके लिए बकायदा तमाम फैक्ट्स जुटाए गए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएफआई और उसके 8 संगठनों पर बैन को देखते हुए नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पीएफआई पर बैन के बाद उसके सदस्य आरएसएस और बीजेपी नेताओं और आरएसएस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकते हैं। दरअसल जो दस्तावेज मिले थे जब पैन इंडिया कार्रवाई एनआईए और ईडी की तरफ से की गई थी, उसमें वो तस्वीरें भी मिली थी कि बीजेपी के नेता की तस्वीर मौजूद थी और किस तरीके से आरएसएस कार्यालय को निशाना बनाया जा सकता है, मुख्यालय को निशाना बनाया जा सकता है, जिसको देखते हुए आरएसएस हेडक्वार्टर की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय है और सभी को इसमें बोलने में कोई संदेह नहीं है कि एक ये बहुत महत्व का वाइटल इंस्टॉलेशन है और पहले भी शहर में या दूसरे जगह पे कुछ प्रकार के अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और हम पीरियोडिकली उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवादात्मक घटना नहीं होगी, इसके लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, जो इनपुट मिला था उसके आधार पर ये एक बड़ा एक्शन है कि अब निगरानी की जाएगी आरएसएस हेडक्वार्टर की और जो बीजेपी नेता है खासतौर पर उनको लेकर भी खासतौर पर सिक्योरिटी जो एक्शन है वो लिए जाएंगे। आपने ठीक कहा, लेकिन अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखा लेता हूं। मैं एमओएस होम अजय कुमार मिश्रा के घर पर हूं और थोड़ी देर में यहां एक बाइट होगी। इससे आप समझिए कि ये साफ होगा कि आखिर किन किन वजहों से इस पर बैन लगाया गया और क्या क्या चीजें यहां से मिली इनके तमाम दफ्तरों से। जो लीडर्स को पकड़ा गया उन्होंने क्या इनपुट्स दिया, जो डिजिटल एविडेंस मिले वो क्या थे। तो यहां से अभी सरकार की ये बाइट बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिससे कि ये साफ होगा कि पीएफआई के जो लीडर्स लगातार कुछ दिनों में पकड़े जा रहे हैं, उनके पास से ऐसे क्या क्या एविडेंस सरकार को मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि पीएफआई देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। और उसके बाद सरकार का यह एक्शन होता है कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया जाता है। और साथ ही यह भी समझना जरूरी होगा कि यह बातें सामने आ रही है कि पीएफआई के पास कुछ ऐसे इनपुट्स भी मिले थे जिससे यह पता चल रहा था कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश पीएफआई द्वारा रची जा रही है। तो इसे लेकर अभी थोड़ी देर में जो एमएस होम का बयान आएगा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। जी बिल्कुल पुलकित, कि ये बयान भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने खबर जब दिखाई थी उसकी प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद अब पीएफआई बैन किया गया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पाते हुए पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है।